हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट विद विनी। फ्रेंड्स, शारदा क्रॉप केम लिमिटेड की तरफ से मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट हो चुका है। चलिए रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड इन दोनों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव हुई है, जो कि क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट निकल के आया है। साथ में कंपनी ने एक डिविडेंड भी रिकमेंड की है, जो कि फाइनल डिविडेंड है 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की कंपनी डिविडेंड पे आउट करने का जो सो रिकमेंड की। और इसका जो डेट होगा फ्रेंड्स, ये आने वाले एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, लैक्स में नंबर्स है, जिसको मैं करोड़्स में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। इनकम की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 1437 करोड़ का इनकम हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 886 करोड़ का इनकम था और मार्च 21 क्वार्टर में 1104 करोड़ के अराउंड इनकम निकल के आई थी। इस बार की जो इनकम है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर, इन दोनों में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है 176 करोड़ के अराउंड कंपनी को प्रॉफिट हुई है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 102 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट हुआ था और मार्च 21 क्वार्टर में 133 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट निकल के आई थी। इस बार की जो प्रॉफिट है क्वार्टर ओवर क्वार्टर हो या ईयर ओवर ईयर, इन दोनों में जो है कंपनी के प्रॉफिट्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। EPS की बात करें तो 19.62 रुपीज़ का EPS है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर इन दोनों में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस बार कंसोलिडेटेड में देखने को मिली है। और अगर हम सेगमेंट की बात करें कंसोलिडेटेड सेगमेंट की, तो लैक्स में नंबर्स है, जो कि एग्रोकेमिकल्स नॉन एग्रोकेमिकल्स इन दोनों से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका डेटा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडअलोन रिजल्ट्स की ओर। तो यहाँ पे जो है स्टैंडअलोन रिजल्ट्स पे आ गए हैं, नंबर्स लैक्स में है। और इनकम की बात करें तो 1234 करोड़ का इनकम है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 716 करोड़ का इनकम था और मार्च 21 क्वार्टर में 1001 करोड़ का इनकम निकल के आई थी। तो इस बार की जो इनकम है क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर, इन दोनों में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया है 131 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 74 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 21 क्वार्टर में 114 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आई थी। इस बार की जो प्रॉफिट है क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर, इन दोनों में बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट निकल के आई है। EPS की बात करें तो 14.59 रुपीज़ का EPS है प्रीवियस क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर से, अच्छी खासी जंप देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस निकल के आई है। और सेगमेंट की बात करें तो लैक्स में नंबर्स है, एग्रोकेमिकल्स नॉन एग्रोकेमिकल्स इन दोनों से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन सर जो मेन जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो एग्रोकेमिकल्स से ज़्यादा जनरेट हो रही है। इस बार देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जो कि 1232 करोड़ का जो है सिर्फ एग्रोकेमिकल्स से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो शारदा क्रॉप केम लिमिटेड स्टॉक्स को लेकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।